नमस्कार दर्शक मित्रों, बीएन न्यूज गुजराती में आपनो हार्दिक स्वागत छे। समाचारों की शुरुआत करीशू आजना महत्वना मुख्य समाचारों थी। केशोद में एससी एसटी ओबीसी एकता मंच की टीमे मामलतदार ने आवेदन पत्र आप्यू। युवा नेता प्रवीण भाई राम पर थे 307 की कलम तात्कालिक धोरणे दूर करने बाबते मामलतदार ने आवेदन पत्र पाठवती एससी एसटी ओबीसी एकता मंच टीम केशोद। प्रवीण भाई राम पर विसावदर पुलिस स्टेशन में 307 की कलम लगावामां आवी अने फरियाद में कारण एवं बतावामां आव्युं हतुं के प्रवीण भाई गाड़ी में उतरी हथियार वड़े हुमलो कर्यो अने पछी गाड़ी पर चढ़ावी देवानो प्रयास कर्यो हतो। परंतु हकीकत में ईशुदान भाई गढ़वी महेश भाई सवाणी अने प्रवीण भाई राम प्रवासे हता, त्यारे अमुक गुंडा तत्वोए प्रवीण भाई महेश भाई अने ईशुदान भाई ऊपर लोखंडना पाइप अने अन्य हथियार वड़े हुमलो करवामां आव्यो हतो। त्यारे आ आगेवानमांथी एक पण आगेवान गाड़ीनी नीचे उतर्यो नथी अने सामेवाळा व्यक्तिने एक पण व्यक्तिने गंभीर इजा नथी, छतां पण प्रवीण भाई राम पर खोटी रीते 307 की कलम लगाववामां आवी छे। त्यारे प्रवीण भाई राम ऊपर थयेली आ 307 की कलम तात्कालिक धोरणे दूर करवामां आवे अने जो दूर करवामां नहीं आवे तो उग्र आंदोलन थशे એવી ઓબીસી એસટી એસસી એકતા મંચ દ્વારા ચીમકી આપવામાં આવી હતી। આવી રજૂઆત સાથે ઓબીસી એસસી એસટી ટીમ અને કેશોદ તાલુકાના યુવાનોની હાજરીમાં મામલતદારને આવેદનપત્ર અપાયું હતું। રિપોર્ટર શોભના બાલસ, બીએન ન્યૂઝ ગુજરાતી, કેશોદ। મારું નામ રાજુ મોકરિયા, ઓબીસી એસટી એસસી ઉપપ્રમુખ। હાલમાં 3 દિવસ પહેલા શ્રી અમારા યુવા નેતા પ્રવીણભાઈ રામ ઉપર જે 307ની કલમ લગાડી છે તે બાબતે અમે મામલતદારશ્રીને આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા છીએ અને 307 કલમ હટાવી લેવામાં આવે તે માટે બધા અમે નવયુવાનો, બધા ઓબીસી એસટી એસસીના તમામ યુવાનોએ મામલતદારશ્રીને આવેદનપત્ર આપેલું છે।